दोस्तों अभी अभी जग्गू को लहा, जग्गू बैठा हुआ है हमारा। जग्गू जग्गू क्या हुआ? जग्गू खड़े हो, चलो शाबाश, चलो खड़े हो जाओ, चलो। देखे ना, जग्गू बिल्कुल भी खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारी जो दूसरी गोट्स हैं, महारानी इस वक्त यहाँ पर है, और ब्लैक गोट कहाँ चले गई? ब्लैक गोट भी यहाँ पर ही है हमारी। देखें ब्लैक गोट बिल्कुल तंदुरुस्त है, देखें देखें, ब्लैक गोट को शुगर है कुछ भी नहीं। और महारानी को भी देखें, महारानी भी बिल्कुल ठीक है। चलो इधर आओ, बाहर आओ, महारानी भी ठीक है। लेकिन हमारा जो जग्गू है, जग्गू हमारा बीमार हो चुका है इस वक्त। जग्गू शाबाश उठो, चलो शाबाश उठो, शाबाश ऐसे, शाबाश शाबाश शाबाश। तो शुक्र है जग्गू इस वक्त खड़ा हो चुका है, लेकिन देखें बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो आ जाओ चले शाबाश। देखे ना, अब्दुल रहमान ने उसको अपनी झोली के अंदर कर लिया है, और जग्गू हमारा सुकून के साथ बैठ गया है। और अब हम जा रहे हैं अपना हॉस्पिटल, इंशाल्लाह जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, और जग्गू की दवाई लेकर हम वापस पहुंचते हैं घर। तो इस वक्त हम हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। रास्ता काफी ज्यादा कम है, यहाँ से गुजरना पड़ेगा। अब तो ये हमारे यहाँ का हॉस्पिटल, ये जानवरों के लिए स्पेशल है। जग्गू हमारा बीमार हो गया है। चले कोई बात नहीं जग्गू, हम आपको हॉस्पिटल ले आए हैं। देखे यार कैसे लेटा पड़ा है जग्गू, इतना ऐसे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। तो अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि लड़के आते हैं, तो फिर इसको चेक कर लेते हैं। वैसे हम लेट हो गए हैं, टाइम अप हो गया है चेक करने का। तो जग्गू को आज इंशाल्लाह ठीक करवा के लेकर जाएंगे। तो दोस्तों अभी इसका बुखार चेक किया है, टेम्परेचर इसको 106 पर बुखार है, बहुत तेज बुखार है इसको यहाँ पर। इसको मेरे ख्याल से इसको टीका लगाने लगा है, इंजेक्शन। तो इंशाल्लाह इसका बुखार जो है वो कम हो जाएगा, उतरेगा बिल्कुल। इसको बुखार बहुत ज़्यादा तेज था, 106 के ऊपर बुखार था। तो इंशाल्लाह अब इसका बुखार नीचे आएगा और ये तंदुरुस्त हो जाएगा पहले की तरह। हम घर पहुंच आए हैं, अब उठ पड़ो, शाबाश जग्गू। दोस्तों अभी अभी जग्गू को लहा कर यहाँ पर छोड़ दिया, और देखें कैसे उसने सिर फेंक कर वो लेट चुका है यहाँ पर। इतने शोक के साथ मैं इनको लेकर आया था, लेकिन पता नहीं क्या वजह बनी कि पहले दिन ही हमारा जग्गू बीमार, दूसरे तीसरे दिन जग्गू बीमार हो गया। इतना शौक था, ठीक ही था जब लेकर आए थे, पता नहीं बाद में किस वजह से इसको 106 के ऊपर बुखार हो गया। और अब दवाई तो ली है, इंशाल्लाह बाद में भी दवाई लेंगे, और कोशिश तो हमारी पूरी है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए।